हाँ भाई क्या हाल है भैया। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाएँ तो एक ही कमेंट दिखता है कि जिन स्टोरीज़ का पार्ट 2 का आ रहा है डॉक्टर सोलंकी के साथ। भैया मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ, इतना मैं यूट्यूब पे रिसर्च करके इतनी मेहनत से मैं कंटेंट बनाता हूँ, ये सुनने के लिए कि जिन स्टोरीज़ का पार्ट 2 का आ रहा है। भाई सब्र कर लो, जब आया थोड़े अरसे बाद दोबारा आ जाएगा। खैर माई पार्टनर डॉक्टर सोलंकी इज़ फाइनली हेयर, मगर उससे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई ट्रैवल पार्टनर। अल्पाइन बेयर एक पाकिस्तानी कंपनी है जो कि ट्रैवल बैग्स वगैरह और ट्रैवल एक्सेसरीज़ बनाती है। उन्होंने मुझे अपना बैग भेजा था ट्रैवल नेस्ट, जो कि मैंने फिर स्टार्ट किया ट्रैवलिंग में यूज़ करना। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ड्यूरेबल है, जो आपका हैंड कैरी का सामान है वो आराम से इसमें कैरी हो जाता है और आराम से आप पहन के इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। लैपटॉप की स्पेसेस बड़ी अच्छी हैं और साथ ही में इनके छोटे छोटे पाउचेस भी आते हैं, जिसमें ट्रैवल पाउच है जिसमें आप अपने पासपोर्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। टेक पाउच है, आप अपने स्मार्टफोन्स, उसके पावर बैंक हो गया, इस तरह की चीज़ें। फर्स्ट एड पाउच भी है क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन वाइल यू ट्रैवलिंग। तो और साथ ही में एक छोटी और बड़ी गठरी के नाम से भी छोटे छोटे बैग्स हैं जो कि जिसमें आप अपने सॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं आइटम्स रख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है एंड द फैक्ट कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में बनती है एंड आई एम सुपर प्राउड कि हमारे मुल्क में इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी का सामान मिल रहा है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो ऑन अल्पाइन बेयर का इंस्टाग्राम या उनका यूट्यूब चैनल एंड ज़रूर ऑर्डर करें। और अगर डिस्काउंट चाहिए तो प्रोमो कोड पर जुनेद लिख दें, आपको 16% डिस्काउंट मिलेगा अल्पाइन बेयर से। डिटेल सारी लिखी हूँ। खैर भाई इंतजार की घड़ियां खत्म, डॉक्टर सोलंकी इज फाइनली हियर। भाई लोगों ने दिमाग खराब कर लिया मेरा पूछ के। अबे जो वीडियो बनाओ वो स्पेस की वीडियो आ रहे हैं, जिन स्टोरीज। अबे भाई स्पेस की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है यार। मैं तो देखिए सुपरनैचुरल इज वेरी, यू नो, हाउ डू आई से इट, अट्रैक्टिव, ओवरपावरिंग। भाई मेरा सारा कंटेंट तबाह कर दिया यार। मैंने पॉडकास्ट खोली थी कि एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स डिस्कस होंगे, इस तरह की, मतलब हर चीज डिस्कस होगी। कभी कोई आ रहा है, हाईजैकिंग योर पॉडकास्ट विद माय जिन लवर्स। अजीब अजीब चुतियापा हो गया। खैर तो भाई कैसा रहा फीडबैक पहली के बाद? मेरा तो ये हाल कर दिया था, तुम अपना बेहतरीन फीडबैक रहा। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्टोरियाँ शेयर की, बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ शेयर की जिसके बाद मैं खुद परेशान हो गया। और फिर आपको तो वो इंसिडेंट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया था और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जब जिनों की स्टोरियाँ सुनाओगे तो जिन भी खुद भी चल के आ जाते हैं। कभी यार ये क्या फिनोमिना है, जिस चीज़ के पीछे कहते हैं ना, जिस चीज़ के पीछे भागो तो वो चीज़ दूर भागती है। लेकिन वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। एग्जैक्टली। एक आपने कहावत सुनी होगी, व्हेन यू लुक इनटू द अबिस टेयर्स बैक एट यू। तो बस यही हुआ, हम सोने लेटे, ऊपर से भाई एक आ गए। हाँ ये तुमने इंस्टा पे सुनाई थी, लेकिन ज़रा ये यूट्यूब फेसबुक की ऑडियंस को शुरू से सुना, ज़रा हुआ क्या था। भाई ये जिन स्टोरी फिनोमिनन तो आपको पता ही है, हमारा आपका और मेरा स्टार्ट हुआ हुआ था। लोग बार बार वीडियोस देख रहे हैं, आप देर आस्किंग मी टू रिसर्च एंड स्टोरीज एंड एक्सेट्रा। तो मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी स्टोरी पूछना शुरू किया। लोगों से मिलना शुरू कर दिया। यस, लेट्स टॉक अबाउट जिन स्टोरीज, लेट्स टॉक अबाउट मी एंड जिन स्टोरीज। ओके तो बात करना शुरू की, कोई अपनी कहानी सुनाए, कोई अपनी कहानी सुनाए। इट्स वेरी, यू नो, अब कल्चरल सब्जेक्ट, इट्स नॉट इवन लिमिटेड सब्जेक्ट, हर जगह। हाँ। बात करते करते एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास काफ़ी सारा मटेरियल जमा हो गया। अब आई थिंक इट वाज 11 or 12 इन द नाइट व्हेन आई वेंट होम। ओके इट वाज, मतलब इट वाज अ नॉर्मल नाइट, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। आई वाज सिटिंग समवेयर, आई हैड फ्रेंड्स एक्सेट्रा। घर गया हूँ रात के 12 बजे 11 वॉट, मैं गया हूँ, मुझे सुबह ऑफिस जाना था। मैं जाके पलंग पे लेटा हूँ, एसी चल रहा था रूम में। अम्मा मेरी थी उस रूम में पहले से, शी वाज रीडिंग सम स्टफ, तो लाइट्स ऑफ थी, अपने लैम्प में पड़ी थी। मैं सो गया, मैंने कहा भाई वो जब उनको सोना होगा व्हाटएवर, मुझे सुबह जाना। तो आई स्लेप्ट लाइक आई गेस 12:30 और समथिंग। एक घंटे के बाद चीखने की आवाज़ों से मेरी आँख खुली ना, मैं हम लाइक कि क्या हुआ। अम्मा चीख रही तुम्हारे पीछे कोई है, तुम्हारे पीछे कोई है। एंड तू बेड पे था? हाँ मैं बेड पे था। एंड वो शी स्टैंडिंग देयर एंड शी इज़ फ्रैंटिक स्क्रीमिंग, चीख ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं हर तरफ से। मतलब लोग भी घर में परेशान हो गए क्या हो रहा है। तो मैंने बस इंस्टिंक्टिवली आयत अल कुर्सी पढ़ ली ज़ोर से। आयत अल कुर्सी पढ़ी तो एकदम से अम्मा चुप हो गई, रिलैक्स हुई हैं और कहती हैं तुम्हारे पीछे कोई साया सा आया, वो गायब हो गया अब तुम्हारे पढ़ने से। मैंने कहा हुआ गया, बोले मैं अपनी बुक पढ़ रही थी, तुम सो गए आके, और डिम सी लाइट थी। फिर उन्होंने ये नोट किया कि छत में से एक साया सा फैलता जा रहा है। वो साया जो था मेरे ऊपर आते आते मतलब एक लीनियर लकीर की तरह आया, उसके बाद वो फैल के एक इंसान यानी आदमी के शेप में पैदा होने लगा। फिर वो ऐसा हो गया कि उस साए के पीछे नज़र आना बंद हो गया। पहले इट वॉज अ बिट ट्रांसपेरेंट, अब वो पक्का काला एक शेप बन गया। उसको देख के फिर वो डरी उन्होंने उठ के चीखना शुरू किया। मैं क्योंकि आई वॉज लाइक करवट से तो मैंने वो देखा नहीं सही से, लेकिन इस उठ के मतलब जब ये स्टोरियाँ लोग मुझे भेजते रहेंगे तो मैं उठ के और क्या पढ़ूँगा। मैं आयत अल कुर्सी पढ़ी, वो कह रही है वो बट इट जस्ट एक्सप्लोडेड एंड डिसअपीयर्ड। उसके बाद फिर मैंने अपने पूरे घर को हर तरफ आयते शायते लगा के क्लियर किया। मैंने कहा ये दोबारा नहीं होना चाहिए। यू आर विजिटेड बाय अ निब्बा। यस, Blacked.com की स्टोरी। एग्जैक्टली, टू ब्लैक एक्चुअली। अच्छा, कुड इट बी पॉसिबल कि कोई पर्दा चल रहा हो, अम्मी को ऐसे नींद में नजर आ रहा हो? क्योंकि हमने पर्दे में बहुत औरतें देखी हैं अपने कमरे में, लेकिन मेरे कमरे में पर्दा नहीं है, ब्लाइंड्स पड़े हैं छोटे छोटे, सिर्फ खिड़की के। भाई कल मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं टेबल पे पैर रख के किताब पढ़ रहा था मज़े से। मेरे ना पेरिफेरल व्यू में मुझे लगा कि कुछ मूव हो रहा है। अच्छा, इस कमरे में तुम देख रहे हो पंखा वंखा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एसी है, तो किसी मूवमेंट की बनती नहीं और ना ही कोई खिड़की है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैंने यूँ देखा, मुझे कुछ लग रहा है, मैंने शायद मेरा वहम है, मैं पढ़ता रहा, लेकिन जब वो बढ़ा ना मेरी फट गई। वो तो मैंने देखा ये दरवाज़ा देख रहा है, हाँ। इसके नीचे एक ये दरवाज़ा के बाहर नहीं, बाहर तो कोई लाइट नहीं है, तो ये पुलिस आ गई, छापा पड़ गया। छापा निकलो, कपड़े पहन, जल्दी निकल। तो ये हिलने लगा। अब वो साया कहाँ से हिल रहा है, क्योंकि यहाँ कोई खिड़की नहीं। मैंने ये चारों तरफ देखा, पर्दे स्टिल है। मैंने ये हिल क्यों रहा है? अब मैं इसको आवाज़ दूँ ये कैमरामैन को, तो आवाज़ ही ना सुने क्योंकि वो कोने वाले कमरे में। मेरी फटी, मैंने ये हिल क्या रहा है? और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं भागूँ, क्योंकि दरवाजे के उसमें रास्ते में फिर ऊपर से कुछ गिरा। तुम देख रहे हो ये लाइटों के ऊपर एक कागज़ लगे हुए, हाँ। वो कागज़ टेप से यूँ लटक के यूँ हिल रहा था, तो उस लाइट का शेडो था। मैं ला यार क्या यार, कसम खुदा। तो ऐसे तो ये वाला सीन तो नहीं था कोई? नहीं, देयर इज नथिंग इन दैट रूम जिसमें ऐसा कुछ हो सके। Nothing. And my mother was wide awake. कोई उन्होंने दवाई शवाई तो नहीं खाई हुई थी, क्योंकि वो जरा यार लाइक ओके दैट्स वेरी वियर्ड। उसके बाद कुछ हुआ? उसके बाद कुछ नहीं। मैं तो पूरे घर में मतलब जहाँ ज़्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, इफ़ यू फील थ्रेटन्ड कि कोई चीज़ आ रही है तो आप अपने एंट्री एग्जिट्स के ऊपर आयतुल कुर्सी चारों कुल लगाते हैं, और ऐसी अपने स्पेशली बेडरूम वगैरह में लगाते हैं। और हदीस भी है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं, तो वो ताली बजा के भी, हाँ, ये पुरानी अम्मियाँ कहती हैं कि ताली बजाओ। वो फूकते हैं उसके अंदर हाथ पे और आयतुल कुर्सी पढ़ के, और फिर 3 बार ताली बजाओ। और भाई जब पुराने घर में रहते थे हम, एक कमरे में 7 लोग सोते थे, तो रात को तालियां बज रही होती, जैसे कोई आउट हुआ है ना, कोई तालियां बज रही है, हर कोई ताली बजा। लेकिन बात यह है कि देखें, ओल्ड कल्चर को हम लोग तो आजकल कह देते ना ये सब बेकार था, इसका कोई सेंस नहीं है, हाँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का उस वक्त एक नॉलेज बेस था, उसको फॉलो किया जाता था, हाँ। और उसमें कोई रीजनिंग होती थी, रीजनिंग होती थी। अब जैसे वो कहते हैं ना, मगरिब के टाइम पे लाइटें जला लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो कहा यह जाता है, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन जो जिनों का लाइफस्टाइल होता है ना, उसमें जब मगरिब होती है तो उनकी सुबह होती है, हाँ। तो मैंने भी सुना है। आप जो है उनको बाहर रखने के लिए अपने पास से, इसलिए आप लाइटें वाइटें ऑन करके थे, और सब ये इस तरह के काम करते। अच्छा, हमारा जो पुराना घर था ना, वो बिल्कुल सीधा था, लाइक आप दरवाजे से एंटर हुए, उल्टे हाथ हुए, पहला कमरा है, सीधा जाते रहो, एक और दरवाज़ा, दूसरा कमरा, और उसके बाद बैल्कनी, दोनों साइड बैल्कनी थी। 1927 की बिल्डिंग है माशाल्लाह, ऊंचे कमरे, बड़े, और लिनियर था, बिल्कुल सीधा था। तो मगरिब के टाइम ना अम्मी बोलती थी कि यहाँ ना बीच में ना बैठा करो, ये गुजर का रास्ता है। तो मैंने बोला जिसने गुजरना है नीचे गली से जाए, तीसरे फ्लोर के घर से क्यों गुजर रहा है? मैं इसको मजाक लेता था कि मगरिब के टाइम यहाँ ना बैठा करो, यहाँ से हट जाया करो। अब मैं यार ये मतलब ये सेंस नहीं बनती ना, जिसने गुजरना है वो मेरे घर से क्यों गुजर रहा है? वही गली से चला जा, आसिफ बेकरी से घूम के चला जा, ना ये ऊपर क्यों आ रहा है? ठीक है, बट शी टोल्ड मी अ स्टोरी कि उनके घर में सदर में जहाँ वो अभी भी रहते हैं मामू मेरे, वहाँ नीचे रहती थी, उनको सब उस्तानी जी बोलते थे। शी वॉज 98 ईयर्स ओल्ड, बहुत बूढ़ी थी, बहुत ही बूढ़ी थी, और उन्होंने कोई 500 हज किए हुए थे, मतलब वो बहुत पहुँची हुई खातून थी, ठीक है ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो नमाज़ पढ़ी होती थी। अच्छा, अब वो जैसे जैसे एज होती रही, उनको ज़ाहिर है ओल्ड पीपल को ना, ज़ाहिर है उनको नई चीज़ें भूल जाते हैं, पुरानी चीज़ें याद रहती हैं, हाँ। ठीक है ना, तो वो पुराने किस्से याद रहते हैं, लेकिन नया बंदा नहीं समझ आ रहा होता उनको, मतलब अपने बच्चे नहीं समझ आ रहे थे, हालांकि बच्चे भी पुराने ही होते हैं। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, डिमेंशिया का मैंने बहुत नोटिस किया। एनीवे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मगरिब का टाइम है। उन्होंने देखा अजान हुई है, मैंने नमाज़ पढ़नी है। वो नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई वहीं रास्ते में ना, हाँ। वो भी घर ऐसा ही था, बैलकनी के सामने वो पढ़ने लगी। तो उनके बच्चों ने देखा कि वो हवा में यूँ लिफ्ट हुई हैं और यूँ साइड पे कर दी गई हैं और वो उनकी नमाज़ कंटिन्यू, उनको फ़ील ही नहीं हुआ। फिर उनको पूछा कि भाई आपको उठा के किसी ने यहाँ रखा है? वो माने ही ना। एक तो उनको समझाना इतना मुश्किल क्योंकि वो इतनी एजड थी। उन्होंने कहा कि मेरी जायनमाज़ किसने खींची नीचे से? वो ये उल्टा कह रही थी, कह रहे खींची किसी ने नहीं, आपको किसी ने यूँ उठा के यहाँ रखा है, हमने देखा है। वो माने ही ना। तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि हम, क्योंकि ये चीज़ हमारी बिल्डिंग में मशहूर थी और फिर मोहल्ले में मशहूर थी, तो फिर ये इट्स बिलीव्ड कि मगरिब के टाइम रास्ते में नहीं सोते। बट एक दिन में असर के बाद नींद बहुत आती है, उन्होंने नोटिस किया है, बहुत नींद आती है और वो बड़ी प्लेजेंट नींद होती है, बहुत मज़े की नींद होती है वो, और वो डिस्करेज की जाती है कि असर के बाद सोना नहीं चाहिए। हमारी अम्मा बोलती हैं। तो मेरी ना एक दिन आँख लग गई उसी बालकनी वाले रास्ते में, आँख लग गई और मैं सो गया। असर के टाइम अम्मी ने भी ध्यान नहीं दिया, अपने अपने कामों में लगे हुए थे। फिर ना मैं नींद में था और मुझे हल्की हल्की अजान की आवाज़ आई, मगर मैं बोला ठीक है, हो रही है तो हो रही है, मैं लेटा हूँ। उसके बाद पड़े मुझे मुक्के, जोर जोर के मुक्के यहाँ कमर पे। मैं करवट लेके सो रहा था, जोर, मुझे लगा कि कोई मार रहा है मुक्के, खींच खींच के ना। मैं डर के उठा, अजान हो रही थी, मैंने ज़्यादा बात नहीं की, मैं आराम से उठा, मैट्रेस पे जाके लेट गया और मैं दोबारा जान के सो गया कि मैं देखना नहीं चाह रहा आसपास कौन है। दैट वॉज दी ओनली इनकाउंटर आई हैड। अब मुझे, अब जाके, अच्छा ये बात है कोई 90s की, ठीक है, अब जाके मुझे फील होता है कि क्या पता वो स्लीप पैरालिसिस हो, क्योंकि फिर ये बाद में, जब मैं लास्ट एपिसोड में ही बताया था, दुबई में मुझे होने लग गया था कि रोज़ाना 4 बजे एक औरत, लगता था एक औरत मेरे ऊपर, ज़ाहिर है एक सिंगल आदमी को यही लग सकता है ना। तो वो जब मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगा कि मेरे हाथ पैर यूँ मूव नहीं कर पा रहा, मेरा दिमाग जाग रहा है, मेरी आँखें जाग रही हैं, मेरी बॉडी नहीं जाग रही। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि क्या पता इस बिल्डिंग में कोई स्पिरिट्स हैं, क्योंकि वो बर दुबई तो मैं पता पुराना एरिया है। मगर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है अक्सर औकात हो जाता है, अभी कराची में भी होता है। तो अब मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या पता वो भी स्लीप पैरालिसिस। लेकिन दिस इज़ अ वेरी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर, तुम्हें लग रहा है तो कुछ में मार रहा है। स्लीप पैरालिसिस में तो ऐसा लगता है यू आर पैरालाइज्ड। नहीं, स्लीप कह रहा हूँ, स्लीप पैरालिसिस में ये होता है कि आपको कोई यूँ दबा रहा है और आप उस घुटन से उठते हो, हाँ, और आप हिलना चाह रहे हो तो आप हिल नहीं पा रहे होते, ये फीलिंग होती है। तो उसमें भी मुझे ना बस ऐसा ही था कि कोई मुझे लगा के ना कमर पे दे रहा है, लेकिन कमर पे घूसे मार रहा है ना, हाँ हाँ ये था, हाँ ये था। दूसरी बात है, यू वोक अप, यू आराम से उठ के चले गए, यू डिडंट फील दैट पैरालिसिस फीलिंग कि तुम रुके हुए हो, तुम हिल नहीं पा रहे हो। अच्छा नहीं, अभी भी जब अगर कभी स्लीप पैरालिसिस हो जाता है और मुझे फील होता है कि अच्छा ये कहानी है, जैसे मैं फ़ील हो रहा हूँ कि मुझे कोई दबा रहा है, तो मैं बस चुप करके लेट जाता हूँ। हालांकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये वही चीज़ है, लेकिन फिर भी डर तो होता है, मैं कमरे में अकेला हूँ। बहुत सारी चीज़ें वैसे मेंटल हेल्थ वालों ने आइडेंटिफाई की हैं, एंग्जाइटी, हाँ, और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये दिस कॉज पैनिक अटैक्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, इससे भी होता है क्योंकि आपका एंग्जाइटी तो सारा मेंटल उसमें है ना, आपका दिमाग जाग रहा होता है, जिसम सो रहा होता है। तो वही वाला हिसाब होता है कि बंदा। बाय द वे आज मेंटल हेल्थ डे है, तो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी कंडीशन और इफ़ यू थिंक ओन इट टू इट, और जो है सीख थेरेपी, इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग। जैसे बंदे को टांग में मोच आती है तो जाता है ना डॉक्टर के पास, तो ये भी आपका एक ऑर्गन है जो कि इम्बैलेंस हो जाता है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद थेरेपी, डू सीक इट। कमिंग बैक टू द स्टोरीज। अच्छा, ओ स्पीकिंग अबाउट निब्बा विजिटिंग, मेरे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, समझ जाएगी कौन है, शारजा में वो रहती है। नहीं, मुझे पहले ये बताओ, आखिर सारे लड़के अपनी दोस्त लड़की की स्टोरी क्यों सुनाते हैं? वो भेजती है ना, इसने भेजी मुझे एक, इसके बाद बहुत सारे किस्से इसने मुझे, अभी एक याद आ रहा है। वो ये कह रही थी कि वो एक बार, अच्छा उसको, उसकी बिल्डिंग कन्फर्म हॉन्टेड है शारजा में, कौन सी है मैं ये बताऊँगा नहीं क्योंकि बहुत लोग रहते हैं, अभी मैंने जाना है, अगले हफ्ते वो निकाल देंगे क्या फैलाता फिर रहा है। एनीवे, तो वो ये कह रही थी कि अच्छा उसने बहुत बार फील भी किया ना, घर में किसी किस्म की प्रेजेंस है। एक बार ना उसका भाई बहुत छोटा था, किसी ने खिड़की पे रख दिया था, और तुम्हें पता है शारजा में ग्रिल वाला सीन है नहीं, वो तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। एंड देयर वाज नो वे दैट हर ब्रदर कुड रीच दैट, वो बहुत छोटा था, किसी ने रखा हुआ है खिड़की पे, ओ भाई हंगामा। तो ये इस तरह के ना सीन थे कुछ। एक दिन वो सो रही थी, ठीक है, और उसको ना हल्की सी सर्दी लगी। ओके ठीक है, हालांकि शारजाह में सर्दी कहाँ लगती है भाई, हाँ। 9 महीने तो नहीं लगती। उसको सर्दी लगी तो वो उठी, उसकी कमीज़ नहीं थी, ठीक है, शी वॉज टॉपलेस। ओके ठीक है। अब होता अक्सर ये है कि अगर हम सो रहे हैं, ख़ासतौर पे कराची में लाइट चली गई, जब जनरेटर यूपीएस नहीं थे, बंदा नींद में जब बेचैनी होती है उतार के फेंक देता है, कमीज़ फेंक देता है, टांगता नहीं है हैंगर पे, जाहिर सी बात है। उसकी कमीज़ बाकायदा हैंगर पे टंगी हुई थी और खिड़की के साथ लगी हुई थी। तो यानी किसी ने बड़े मुतमईन बेगैरत जिन ने उतार के बाकायदा सलीके से, या तो अगर गोला बन के फेंकी हुई होती ना, तो बंदा अज्यूम कर लेता है शायद मैंने नींद में गर्मी से बेचैनी से उतार के फेंक दी, सही है, ठीक है। मगर वो नीट एंड क्लीन, वो तो भाई वैसे भी नीट एंड क्लीन नहीं, खुद मतलब यू नो इस तरह की फेंक दिए कपड़े, तो जैसे हम खुद हैं, वो भी बॉयश ही है। तो दैट वॉज अलार्मिंग कि यार मेरी कमीज़ लटकी हुई कैसे है, मैं पहन के सोई हूँ। तो यानी जिन ने लिपटम झिपकी चिपकम चिपकी करके गया, जिन ने भी सबूत दे दिया कि वो भी शायद, हाँ आई थिंक दैट वाज अ सिग्नल, एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट, अच्छा, यानी कि सलीके से करके कहीं और से, बट इट वाज नॉन कंसेंशुअल, वी शुड नॉट, जिनों को भी ज़रा कंसेंट सिखाना पड़ेगा। मगर ये कि दैट हैपेंड and this was this is one of many many things that happened with her, one of millions of cases. लोग समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, because I had always an interest. अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतने लोगों ने stories भेजी, can you tell somebody is bullshitting with you? Obviously. अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं लाइक कराची में जो था, मैं अपनी प्राडो में रात को 4 बजे जा रहा था और डेट मारता हुआ, एंड आई सॉ अ वुमन वेयरिंग अ स्कर्ट ऑन द रोड, वुड यू बिलीव इट? इट कैन हैपन। दुल्हन नहीं देखी लोगों ने यहाँ लाल कोठी, दुल्हन वर्सेस अ वुमन इन रेड स्कर्ट, तो भाई हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कोई अंग्रेज जिन आया था यहाँ भाई, क्या क्यों नहीं पहन सकते? जिनों को कोई कमी थोड़ी है, वो तो कुछ भी पहन सकते हैं, बात है। लेकिन पॉइंट वाज कि imagination, कुछ लोग मतलब want to tell their stories but they don't have actual, maybe he was intoxicated और उसको नजर आ गई हो, इंटॉक्सिकेशन में तो बहुत कुछ नजर आ जाता है, ये भी है, तो वो शायद स्कर्ट वाली देखना चाह रहा, उसको नजर आ गई, तो वो तो होता है। लेकिन सुबह 4 बजे डेटिंग, वो भी इन अ प्राडो, इन प्राडो, इन कराची, इन देसी माहौल जहाँ चाटे भी पड़ते हैं। फेज 8 में घूम रहा होगा ना, तो फेज 8 में वो फेज 8 में नया ग्रेवयार्ड खुला है, माशा, आई मीन खुला कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ फकिंग मॉल, खुला है, बना है, ठीक है, और बड़ा नीट एंड क्लीन बना है, तो और समंदर की लहरें आके लगती हैं, वो कितना ड्राउनी हो जाएगा रात को। मैं तो ये ज़्यादा दिस, सॉरी टू से दिस इज डजंट साउंड राइट, क्योंकि इट्स अ रिक्लेम्ड लैंड, रिक्लेम्ड लैंड। मैं आपको समझाता हूँ, समंदर ख़त्म हो गया, ज़मीन ख़त्म हो गई थी, वो मिट्टी डाल डाल के और बनाई है जहाँ पे फ्लैट बन से ऊपर की, ठीक है, तो एक तो सी लेवल से ऊपर की, और वो जोर का लगता है, जैसे कोलाची पे पानी देखें कितना डीप है, वो कोलाची से भी आगे की उस पर बनाया, और वहाँ ग्रेवयार्ड बना दिया, और सेकंडली उस ग्रेवयार्ड के नीचे यार पानी आता है, हाँ, इट्स नॉट लाइक ड्राई लैंड, नीचे पानी आ रहा है, हाँ, वो इट्स अ रिक्लेम्ड लैंड, इट्स नॉट अ लैंड लैंड, हाँ, तो अल्लाह माफ़ करे, इफ समथिंग हैपन्स, तो अगर झटका लगा या कुछ हुआ तो वो ये कब्रें बह के पानी में चली जाएंगी, स्केलेटन घूमेंगे, फिर अल्लाह ना करे भाई, ये क्या बना दिया। अरे बड़े इंजीनियर हो सकते हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, यू नो, मगर ये कि यार लाइक द थॉट ऑफ हैविंग अ ग्रेवयार्ड नेक्स्ट टू, इतनी जोर की लहरें आती हैं वहाँ, मुंह पे लगती हैं आके, वो तुम्हें, मैंने वो याद होगा आपको, मैंने एक बार स्टोरी बनाई थी, काफ़ी सारे पख्तून भाई फिशिंग कर रहे थे, वो वाला स्पॉट कह रहा हूँ मैं, ये कोलाची से आगे वाला, मैं समझ गया, तो वो तो इतनी, और वो आवाज़ें इतनी स्कैरी होती हैं रात को पानी की, और साथ में ग्रेवयार्ड है, तो भाई ये तो इवल डेड वाला सीन, जी हॉरर शो वाला सीन कर दिया इन्होंने। अच्छा मज़े की बात है, पानी से बात याद आई, एक चीज़ है जलपरी, हाँ, एक चीज़ है मर्मेड, दोनों एक ही तो है, ठीक है, लेकिन अगर तुम पूरी दुनिया की हिस्ट्री निकाल लो, हाँ, हर मुल्क में, इवन देयर इज अ रशियन मरमेड, देयर इज अमेरिकन मरमेड, देयर इज आयरिश मरमेड, तो फोकलोर तो हर जगह होती है ना, लेकिन ऑल ऑफ दीज आर डिसकनेक्टेड एरियाज जहाँ पे सेम, हाँ, सेम स्टोरी। तो बात ये होती है, जिस तरह लोग बोलते हैं ना समंदर में भी होते हैं, हाँ, तो देयर इज अ कनेक्शन, मतलब आई वुडंट से ऐसा नहीं होता, लेकिन यू नो बिकॉज द इवल जिन्स आर डिसीवर्स, हाँ, They refer to as deceivers, मतलब धोखा देने वाले, तो शेप शिफ्टिंग तो ये भी एक यार मुझे गलती हो गई। कल मैं एक नेवी वाले साहब के साथ था, अफसर हैं बहुत बड़े, मैं उनसे पूछता यार क्योंकि वो डीप सी जाते हैं। हाँ। उन्होंने कुछ देखा हो या कुछ फील किया हुआ तो बड़ा हैवी लेवल का सीन होता होगा यार। यार हैवी लेवल का सीन था लेकिन 1800 में होता था भाई। कोई शिप डूब जाते थे, कस्टम ऑफ द सी जो कहलाता था ब्रिटिश हाँ। सेलर्स का हाँ। कुछ नहीं मिल रहा आपस में एक दूसरे को खा लो। हाँ फिर उनकी फिर वो रूहें भटकती थी वहाँ पे। बिल्कुल अजीब वो गरीब हरकतें होती थी। इट वाज द कस्टम ऑफ द सी, जो मर रहा है उसको मार के खा लो, जो बीमार है उसको मार के खा लो, प्यास लग रही है उसका खून पी लो। ये रूल ख़त्म हुआ है 1857 के करीब। मतलब ये कस्टम था, ऑफिशियल कस्टम था। हाँ। ये क्या बकवास है। इट वाज कॉल्ड द कस्टम ऑफ द सी। ओ अपनी जान बचाने के लिए तो मछली क्यों नहीं खा लेते भाई शिकार करके? बस ऐसा पता नहीं क्या सीन था। वो पुराना ज़माना था भाई। पुराने ज़माने में यूके के अंदर ब्रिटेन में, अगर ब्रिटेन का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पड़ा है, अगर कोई सुसाइड कर लेता था तो उसे शहर के अंदर नहीं दफनाते थे, जहाँ पे क्रॉस रोड होता है ना, नो मैंस लैंड जो होता है हाँ। वहाँ दफनाते थे बिकॉज वो कहते थे ये सोल जो है ना ये इधर की है ना ये उधर की, यहीं अटकी रहेगी, तो उसको वहाँ डालते थे। बिकॉज उनका बिलीफ था ना सुसाइड कर लिया तो नाइदर इज गोइंग टू हेल नाइदर इज गोइंग टू गो टू हेवन, यहीं घूमता रहेगा, तो ऐसी जगह डाल दो जो किसी की ज़मीन ना हो ताकि किसी को तंग ना करे। तो क्रॉस रोड में फिर रात को दिखेगी स्कर्ट पहन के। एग्जैक्टली। ओह आई सी, ये कनेक्शन है। यस। अच्छा तो और क्या क्या स्टोरीज भेजी लोगों ने भाई? यार स्टोरियाँ तो बहुत हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद समथिंग। या मैं सुनाऊँ अपने ससुर की? ये कैसी स्टोरी? ओके 1960s की स्टोरी है, नॉर्थ नाज़ाबाद की। ठीक है। सो ऑब्वियसली मिडिल क्लास घर आना, सुबह जल्दी उठना। 60s में तो लोग ऐसे ही थे। अब जाके कराची वाले हड आराम हुए, 12 बजे उठते हैं। एनीवे अगर काम वाले लोग अभी भी टाइम पे उठते हैं, मगर अगर काम ना हो ये ना उठें। ऐसा ही है। मगर उस ज़माने में लोग उड़ जाया करते थे क्योंकि जल्दी सोते थे। एनीवे इंटरनेट नहीं था ना। हाँ। तो मेरे ससुर की वालदा यानी मेरी बेगम की दादी, वो और उनका बेटा साथ ही उठ जाते थे। वो नमाज़ पढ़ते थे फजर की, उसके बाद नाश्ता वाश्ता ही वो। तो एक दिन वो उठ गई और उन्होंने नमाज भी पढ़ ली, नाश्ते के लिए किचन में भी चली गई। हमारे ससुर साहब उठे ही नहीं, एंड ही वॉज व्हाट 15 एट दैट टाइम, उठे ही नहीं। तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग ये बात रही कि यार हाउ कम, ये तो रोज़ उठ जाता है, ऐसा हुआ क्या है? उनको उठाया कि भाई उठो, क्या मतलब नमाज भी निकल गई, जाओ नहाओ दो, नाश्ता करना। खैर वो उठे। ही यूज़ टू मेक हिज बेड एंड एवरीथिंग। उस ज़माने के बच्चे ज़रा सुगड़ होते थे तो अब जाके मम्मी मैं नहीं कर रहा तो अब वो उन्होंने वो भी नहीं किया, उठ के ऐसे ही चले गए। सो शी फील्ड वियर्ड कि यार ये क्या कर रहे हैं, उठे भी नहीं और अभी बगैर टेढ़ा मेढ़ा तकिया और ये चादर वादर फैली हुई, क्या मुसीबत है? तो उन्होंने बोला ठीक है इसको सही करती हूँ। तो वो सही एडजस्ट कर रही थी। तो अच्छा उनका जो बेड था ना, बेड रेस्ट जो था पीछे खिड़की के साथ लगता था। सही है। उस ज़माने में दरवाजे बंद करने का रिवाज ही नहीं था। दरवाजे खुले होते थे लोगों के, जैसे आज कनाडा में हम देखते ना भाई और क्या ज़बरदस्त है, किसी का भी खोल लो खुला है। उस एक ज़माना हमारा भी ऐसी था। तो पीछे खिड़की थी और ज़मीन का घर था, नाज़िमाबाद नॉर्थ नाज़िमाबाद के घर में पता है, तो वो गली की तरफ लगता था। तो जब वो उन्होंने सरहाने को ज़रा सही वही करने के लिए किया ना, पीछे उनको एक तावीज़ मिला कि कोई खिड़की से फेंक के गया था। तो वो परेशान हो गई कि यार आई थिंक दिस इज़ व्हाट वाज कॉजिंग हिम लेथर्जी, ये जो थका हारा है ये वहाँ से इसका असर है कुछ। तो वो अब चूंकि ज़ाहिर है पढ़ने पढ़ाने वाली खातून थी, वो ये चीज़ें समझती थी, तो वो पैनिक नहीं हुई। उन्होंने उसको लपेटा एक कागज़ में। अच्छा उस ज़माने में ये तो अब जाके पानी की मोटरें और पाइप वाइप, उस ज़माने में कुएँ होते थे, बाकायदा कुएँ होते थे, मोहल्ले में 5-6 होते थे, आप पानी भर के लाओ। वाटर सप्लाई तो थी नहीं कोई इस तरह की। बेटा आया, उनको नाश्ता वाश्ता कराया, बोला कि ये कागज़ है आपके पास, इसको आपने मुट्ठी में भरना है, पकड़ना है और वो आखिरी वाले कुएँ में जाके फेंकना है। और जब आप फेंकोगे, आप पलटोगे, उसके बाद कुछ भी हो आपने पलटना नहीं है। मेडूसा रूल, पलट के नहीं देखना, आपने सीधा वापस आना है। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि शी फिगर्ड कि अगर इस पे हुआ है तो यही इसको डिस्कार्ड कर सकता है। हाँ ठीक है, करना इसी नहीं है, मैं नहीं जाके फेंक सकती। तो उन्होंने सख्ती से समझाया कि पलटना नहीं, नो मैटर वॉट, सही है, ठीक है। अब वो उनको समझ नहीं है क्या चीज़ है, क्या अम्मा फेंकवा रही है सुबह सुबह, अभी उठाऊँ मैं, नाश्ता भी नहीं किया। एनीवे तो वो निकले, रास्ते में उनका दोस्त मिल गया, ठीक है, अरे किधर जा रहे हो, वो उससे मतलब मैं काम से आ रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं अम्मी ने सब ज़रूरी काम से भेजा, अब अम्मी ने डांट के भेजा था कि जाना और वापस आना, सीधे जाना और सीधे आना। वो डरे हुए थे कि पता नहीं क्या है और क्या काम कराएंगे। वो पीछे लग गया, उसने बोला नहीं 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 तुम जाओ तुम जाओ। कह रहे नहीं नहीं मैंने आना है, मैंने आना है, मैंने आना, मैंने चलना है। कह रहे मैं कुएँ तक जा रहा हूँ। कह रहे हाँ मैं भी साथ चलूँगा, बातें बातें करते हुए। और वो गए। अच्छा उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा ये करने क्या जा रहा है, वो पूछता रहा। उसने बोला कुछ नहीं, बस अम्मी ने बोला कि ये करना। कुएं में जाके उन्होंने फेंक दिया और वो पलटे दोनों। वो दोनों पलटे, अभी 2 कदम ही चले होंगे कि दोस्त ने बोला तुम्हें आवाज़ आई, कोई आवाज़ सुनी तुमने? ये उनको कोई आवाज़ ही नहीं थी। कह रहा कौन सी आवाज़? कह रहा अभी इतनी ज़ोर की आवाज़ आई है। कह रहे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। वो चल पड़े वापस घर आए, दोस्त जो है घर चला गया। जिस दोस्त ने वो आवाज़ सुनी थी वो सख्त बीमार हो गया, सख्त बीमार। दिस इज़ रियल स्टोरी, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। 1960s नॉर्थ नाज़रबाद। वो सख्त बीमार हो गया, उसकी हर नस जो है, एवरी वेन इन हिज बॉडी वॉज ब्लीडिंग एंड विद इन 2 days ही डाइड। कोई हेमरेज हुआ क्या हुआ, हर नस जो है वो ब्लीड कर रही थी इंटरनली, ठीक है। नोबडी फिगर्ड आउट व्हाट हैपेंड। खैर उनकी तदफीन हुई वगैरह वगैरह। उसके 2 दिन बाद जो बच्चा फौत हुआ था उसकी माँ रोते हुए आई टू माय सुसर्स मदर, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगते हुए कि हम बहुत बड़ी गलती हो गई। एंड शी इज़ लाइक क्या हुआ? वो रोए जाए, बता ही नहीं। मुझे बताओ हुआ क्या? तो शी सेड कि अच्छा जॉइंट फैमिलीज थी, ठीक है, छोटे घर थे, कान चलते हैं सबके। उन तक ये बात पहुंच गई थी कि उनकी जो नन थी, उस बच्चे की फुप्पी, जो बच्चा मर गया, उसने जलन में आके ये जादू करवाया था, करवाने की कोशिश की थी, जो कि पलट के इन्हीं के बच्चे को लग गया। तो शी सेड कि मेरी नन ने ये करवाया था क्योंकि यू नो आपके उनके जो ससुर के जो वालिद साहब थे वो बड़ी पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट की थी आर्मी की थी, इस तरह की, वन ऑफ द टू। तो वो ज़ाहिर जलिस होते थे, उनका घर भी अच्छा है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, ये वो जलन में आके खिड़की से फेंकवा दिया था और वो पलट के उन्हीं के ही बच्चे को लगा। तो कहा यही जाता है ना कि जब इस तरह का अमल करते हैं एंड व्हेन यू रिवर्स इट, बिकॉज बैलेंस की बात होती है ना, गुड एंड ईवल एंड ऑल दैट स्टफ। एक जगह गुड बढ़ाते हैं तो एक जगह ईवल बढ़ाते हैं, तो जब वो ईवल बैलेंस होती है तो वापस उसको भी बैलेंस करती है। तो जब ये काला इलम वगैरह जो ये लोग करते रहते हैं ना, तो उसमें यही है कि आप किसी पे कुछ करते हैं। तो आई नो अ गाय जिनने अपनी पसंद से शादी की, तो यू ऑल्सो नो हिम बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम। अच्छा कौन है? अच्छा ओके, हमारे वैसे सारे जानने वालों की शादियाँ नहीं हुई, सब लूज़र हैं ऐसे के। तो उनके ऊपर किसी ने अमल करवाया था क्योंकि उन्होंने पसंद से शादी कर ली थी, जिनसे शादी की थी, तो वो थोड़ा टिप टॉप फैमिली थी, well off, ये थे लूज़र। अच्छा तो उनके अपने कोई उन खातून की तरफ से कोई थे, मतलब कज़न या वॉटेवर, उन्होंने कुछ कराया था, वो उनसे करना चाह रहे होंगे, वो करना चाह रहा था, पता काट दिया, इन्होंने उनसे कुछ करा दिया। तो वो बंदे की ज़िंदगी तबाह हो गई ना, मतलब कराची में कुछ बचा ही नहीं। मतलब वो बंदा लिटरली वो उस पोजीशन पे आ गया था कि एक इंजीनियर जो था रोडों पे, मतलब वो काम कर रहा था लाइक कि मैं ये सामान उठा के गाड़ी में रख दूँ, ये वो नौबत आ गई थी, तौबा। फिर ही लेफ्ट दिस कंट्री, मतलब सम स्ट्रोक ऑफ लक और समथिंग, वो चला गया यहाँ से, उसको दूसरी मुल्क में किसी कज़न वज़न ने ज़बरदस्ती ले गया और वट एवर। वहाँ पैर रखते ही पूरी जिंदगी उसकी पूरी सीढ़ी पलट गया ना। मतलब यहाँ ये हाल था कि घर भी ख़त्म हो गया था, वो भी बेचना पड़ गया था, रेंट पे आ गए थे, और वो भी जा रहा था हाथ से, शहर के बाहर जा चुके थे। अब ये सिचुएशन है कि भाई 2 गाड़ियाँ, ये वो सब कुछ। लेकिन क्या है, उसने रिवर्स नहीं किया, उसको तो पता भी नहीं था। वो ये क्या कि जब समंदर पार करते हैं ना तो उन चीज़ों का असर। हाँ ये वैसे मैंने भी सुना है, और चूंकि समंदर पार वाली बात की तो मैं समझ गया किसकी बात हो रही है। एनीवे मेरा एक दोस्त है भाई, वो सैटरडे संडे मिलता ही नहीं था। सही है, ठीक है। जब फ़ोन करो, यार आज किसी को देखने जा रहे हैं, यार आज अम्मी कहीं लेके जा रही है। उसने नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नई कराची, लालू खेत, फेडरल बी एरिया, सारे ब्लॉक, गुलबर्ग, सारी लड़कियां देख ली। अबे हफ्ते में 4-4 लड़कियां देख रहा होता था। मैंने एक दिन बिलबोर्ड लगाएंगे भाई लड़कियां ख़त्म हो गई, भी 5 साल वेट कर दूसरी वाली बड़ी हो जाए, पहले मिल के ही ना दे। उसकी एक जगह अल्लाह अल्लाह करके हो गई मंगनी हुई, उसको ईमेल आ गई बॉयफ्रेंड की। ओह ठीक है, कि ये मेरी पसंद है तो आप प्लीज़। अब वो मेरा दोस्त बड़ा शरीफ आदमी, उसने बोला चलो ठीक है कोई मसला नहीं। तो उसने एक्सक्यूज़ कर दिया, बताया नहीं घर वालों को कि क्या वजह है, अपना बोल के कि ठीक है। फिर उसकी एक और जगह मंगनी हुई, ठीक है। तो वो बात डामाडोल होती रही। इसको मैंने ये बोला कि यार मे बी, अच्छा उसने कभी ट्रैवल नहीं किया था, हमेशा पाकिस्तान में ही रहा था। मैंने इसको बोला यार ये ना मुझे कुछ शक हो रहा है कि किसी ने कुछ किया हुआ है, तो एक काम कर दुबई जा, दुबई का चक्कर लगा के आ। ऐसे ही इत्तेफाक से उसकी नौकरी हो गई वहाँ। वो वहाँ गया है, एवरीथिंग अलाइंड, उसकी 4 महीने में शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए माशाल्लाह, सब कुछ सेट हो गया। बट पॉइंट बीइंग कि जब तक वो इधर ही था ना, वो मसलों में फंसा ही रहा। खैर ये कभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं कि कुछ था भी कि नहीं, मगर वो जैसे ही दुबई गया था फ़ौरन ठक से शादी हो गई, सब कुछ सही हो गया। अब तो ये तो एक है रूल ना, समंदर पार करो तो ये मसले हाँ। हो जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ से खैर मुझे एक याद आई कहानी सऊदी अरब की। आई थिंक समवन सेंट इट इन, सॉरी इफ आई डोंट से योर नेम, मुझे याद नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि वो एक साहब थे, वो शायद जद्दा के तो आज आउटर एरियाज़ में कहीं गाड़ी चला रहे थे, यहाँ दूर तक कुछ नहीं था। तो गाड़ी चलाते चलाते उनको बैक मिरर में उन्होंने देखा पीछे गाड़ी के घोड़ा भाग रहा है। हाँ ओके। अब घोड़ा भाग रहा है, अब ये थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। अब रात है, अंधेरे में गाड़ी चल रही है, वो थोड़ा सा इग्नोर किया, स्पीड बढ़ाई। उनके दिमाग में आया कोई होगा लोकल, घोड़ा लेके निकल आया। थोड़ा आगे गए, प्लेन हो गया, रोड खाली हो गई दोबारा। फिर चलते चलते थोड़ी देर में एहसास हुआ कि साइड मिरर में क्या नज़र आ रहा। साइड मिरर में देखा फिर घोड़ा भाग रहा पीछे गाड़ी। अच्छा ये चीज़ ख़त्म हुई। ये बहरहाल इस पर कन्फ्यूजन में एक आ गए ना कि जीप सी ये क्या बकवास है, मतलब रात के अंदर इतनी सुपर हाईवे के ऊपर वीराने में ना कुछ। और सऊदी अरब की रोडों में दोनों तरफ मट्टी की टीलें, लिटरली वो जो दुबई में थोड़ी घास फूस निकली हाँ, वो भी नहीं है, सिर्फ रेत है। उसके अंदर मतलब बोलना पता नहीं क्या अजीब अजूबा चल रहा है। चलते चलते उसने आगे एक पिट स्टॉप टाइप की जगह बनी हुई थी, वहाँ पे उसको लगा कोई बंदा कुछ रिफ़्रेशमेंट टाइप की चीज़ों का छोटा सा स्टॉल या समथिंग लेके बैठा हुआ है। और उसने गाड़ी लगाई साइड पे, उसने वो थोड़ा सा वो भी अजीब सा हो गया था। उसको ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो थकान में गाड़ी चला रहा है काफ़ी देर से, वो थोड़ा सा खिसकना शुरू हुआ, तो गाड़ी थोड़ी दबा के नींद पूरी कर लो। अच्छा गाड़ी लगाई, अरबी स्पीकिंग बंदा था वैसे, तो उससे बात करना शुरू की बंदे से जो खड़ा होता, कि यहाँ कोई मतलब बड़ा रहता है या उसके कोई घोड़े वोड़े हैं या कोई अरेबियन हॉर्सेज एंड रेसिंग में इन लोगों में बहुत है ना। तो बात करने लगा, तो वो उससे बंदा जो था ना कन्वर्स बड़े रिलैक्सली करने लगा। अच्छा घोड़ा कैसा था, ये था, वो था, अफला था, नमका था, जुब्बा पहना हुआ खड़ा हुआ। बात करते करते कहते अच्छा वो घोड़ा ऐसा था, उसने जुब्बा उठाया, उसने बोला उसकी पैर ऐसे थे क्या, पतवाल बंदे के 2 घोड़ों जैसे। वो बहरहाल भाई साहब जो है वो देख के इतने खतरनाक शौक में गए कि बेहोश हो गए। ओ गॉड मेरी फट गई। अब जब उठे तो अस्पताल में शुरते घूम रहे, बोले यूँ हो गया। अब शुरते को जब उसने उससे पूछा भी तुम ये कहाँ खड़े हुए थे, बोलना मैं ऐसे पिट स्टॉप पे खड़ा था। कोई कह रहा है पिट स्टॉप पे नहीं थे, बीच रोड में खड़े हुए थे। और क्या कहते हैं ना इधर कुछ ना उधर कुछ, अगर पीछे कोई गाड़ी आके मार देती तो वो बीच सड़क पे खड़ा हुआ था। हाँ स्टॉप लगाने का। अब वो उससे बात कर रहा है कि ऐसा हुआ, तो वो कह रहा है कि आपको हमने रोड से पकड़ा है। और मतलब फिर पुलिस वाले को ऐसा शक होने लगा कि ये कहीं वो वाला केस तो नहीं है। तो बहरहाल चुप होकर वो निकल ली। उन्हें बोला अब इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। The story came in and I was like, wow, घोड़े की टांग. यार ये बड़ी स्केरी. मुझे I remember I knew someone from Oman. Her father was in police. ओमानी पुलिस में, ठीक है ना. उनकी ड्यूटी लगती थी हाईवे पे सलाला के आसपास. बाय द वे सलाला जो है कहते हैं दुनिया का सबसे हॉन्टेड हो सकता है, मतलब काले जादू से के लिहाज से बहुत मशहूर है. वहाँ काला जादू बहुत होता है. सो दिस पर्सन आई न्यू, शी वॉज अ डॉक्टर एंड शी वॉज पाकिस्तानी. तो ऑब्वियसली वो अरबिक फीचर्स तो नहीं थे, तो वो डिफरेंट दिखने में लगती थी. उनकी अपनी पेशेंट्स बोलती थी कि हम आपका बाल ले जाएं, एक आप अपना एक बाल दे दें हमें, क्योंकि वहाँ इतना है वहाँ काला जादू कि भाई बड़ा बच के चलना पड़ता है कि कुछ भी उठा के ले जाएं आपका, ठीक है ना. मुंह से मांगती थी कि हमें एक बाल दे दो अपना, बहुत खूबसूरत है. पता नहीं उसने क्या अमल करना. एनीवे शी टोल्ड मी उसका हर फादर वाज इन पुलिस. तो वो एक ना मर्सिडीज थी, बहुत ओवर स्पीडिंग करके जा रही थी हाईवे पे. अब ही वॉज पेट्रोलिंग, ही वॉज अलोन. इन्होंने उसको चेज़ किया, पीछे पीछे गए, पीछे पीछे गए, पीछे पीछे गए, बहुत दूर जाके इन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया. इन्होंने इंटरसेप्ट किया. अच्छा वो गाड़ी मख्फी लगी हुई थी, टेंटेड, उसको मख्फी कहते हैं. तो उन्होंने नॉक किया, तो वो शीशा उन्होंने नीचे किया. खातून थी बुरके में, ठीक है. तो उन्होंने बोला अरबी में कि भाई आप इतनी ओवर स्पीडिंग कर रही हैं, सारे स्पीड रेडार जलते हुए आ रहे हैं, आप क्या कर रही हैं. तो उन्होंने जब देखा ना उनकी तरफ यूं करके, उसकी आंखें वाइट थी. एंड ही वाज लाइक ओह, ही डिडंट से अ वर्ड. उन्होंने उसको यूं घूरी मारी है 5 सेकंड की, शीशा बंद किया है और वो गाड़ी चली गई. और वो आराम से अपनी गाड़ी में बैठे. उन्होंने रेडियो कॉल की कि भाई जल्दी से आओ, मुझसे तो गाड़ी भी नहीं चल रही. और वो वहाँ लॉक करके बैठ गए और बेहोश हो गए. फिर जाके वो पुलिस आई, उन्होंने आइडेंटिफाई मतलब लोकेट की गाड़ी और फिर जाके. तो सलाला में ये बहुत सीन है. मैं तो शायद ना जाऊं भाई कभी वहाँ. ये देखो ओल्ड कंट्रीज़ और इस तरह की एरियाज़ जहाँ इतनी हिस्ट्री है और आपको शायद इल्म है नहीं पता. इल्म है कि इस्लाम से पहले ये जिनों को पूछते थे. हाँ मतलब ये डेटीज़, इनकी जो भी डेटी, कबाला एंड ऑल दिस, ब्लैक मैजिक, एवरीथिंग वाज जिन ओरिएंटेड. दैट इज़ व्हाई इनके पास इस चीज़ों की बहुत डिटेल है. दुनिया में इतनी डिटेल नहीं है, इनके पास बहुत डिटेल है क्योंकि ये इस चीज़ को पूछते थे. और इन मतलब ये होता था आपने किसी नई वादी में जा रहे हो ना, नए इलाके में, तो उस इलाके का जिन से आप पनाह मांगते थे. ओके कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, मेरा ख्याल कर लेना. एंड इसीलिए इनको पूछते थे. और इनका एक मतलब सेटअप ही बहुत ही डिफरेंट था. और इस तरह की इल्मों में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत एडवांस लोग थे. एंड ईवल जिन्स, द शयातीन, बीइंग कॉल्ड डिसीवर्स. उसका रीज़न ये है कि वो आपको डिसीव करते हैं टू बिलीविंग डिफरेंट थिंग्स. तो अब मिसाल है, मैं जब छोटा था नॉर्थ नाज़रबाद में, मेरे ख्याल है उनके क्या उम्र होगी, आई डोंट नो, 12-13 ईयर्स और समथिंग. तो एकदम से एक स्टोरी फैली कि भैया को सफ़ेद कपड़ों में एक बुरका पहनी हुई औरत जो है वो रात को घूम रही है. कोई इसको रूह कहता है, कोई इसको कुछ कहता है, कुछ कहता है. और सत्यानाश हुआ है ना, लोग भाग रहे हैं. और ये बात है 90s की. उस वक्त इतना अफरा तफरी भी नहीं होती थी, थोड़े रश भी कम होता था रोडों में. अब फ्रूट वाले से पूछो, वो कहता है मैं रात को जल्दी दुकान बंद करूँगा भाई, औरत घूम रही है, औरत घूम रही है, औरत घूम रही है. और इत्तेफाक की बात है कि मैं लाइट की भी थी उस वक्त, तो KESC होता था. गैलरी में सो रहे हैं पड़े हुए, वही जो तुम्हारी कंडीशन है. रात गई भी, लाइट है नहीं, आँख खुली, नीचे एक औरत खड़ी ऊपर दिख रही है. हमने नीचे देखा एज यूजुअल, हाँ होगा कुछ, सो गए. लेकिन उस रात जो था, जितने मोहल्ले में लोग थे जो कि नहीं सो पा रहे थे, उन्होंने बोला रात में औरत, रात में औरत, रात में औरत. तो दीज आर ऑलवेज कुछ ना कुछ साइटिंग्स और इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, विच आर ऑलवेज अनएक्सप्लेनेबल. वो कौन औरत थी, वो कहाँ से आई, वो किधर चली, नोबडी नोस. पूरी वाइट, कपड़े वाइट, बुर्का वाइट, पैर वाइट, सब कुछ वाइट. इससे याद आया, हमने आई डोंट रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम ये शेयर की थी कि वो सी व्यू पे एक खातून थी. आई डोंट थिंक सो, नहीं की थी. अगर कर भी थे कोई बात नहीं, सॉरी. हाँ अगर रिपीट हो रही है तो सॉरी. मगर वो ये था कि एक खातून जो है रोज़ाना फजर के टाइम दिखती थी लोगों को. फजर से पहले, फजर से पहले, फजर के बाद, मतलब वो पानी में यहाँ तक होती थी. और वो हाथ में या गालिबा कुरान था या क्या था, वो पढ़ती थी. तो लोग ज़रा डरना शुरू हो गए उनसे कि यार ये क्या पता नहीं कौन है क्या करती है। वो शी वॉज वेरी स्केरी लुकिंग। फिर वो वहाँ से निकलती थी और आई थिंक लालाजार में भी किसी ने देखा उनको, बीच लग्जरी होटल के आसपास का एरिया, वहाँ कोई उनको नाश्ता करा दिया करता था विदाउट क्वेश्चन। वो आती थी, उनको चाय के होटल पे बैठी हुई, किसी ने लाके चाय पराठा रख के आगे पीछे निकल गया, नो क्वेश्चन आस्क्ड। वो रोज़ाना दिखती थी, फिर वो दिखना दिखना बंद हो गई वो। देन नोबडी नोज़ वो कौन थी, वो क्या करती थी वहाँ पे और कहाँ गई। मगर ये लोग, बहुत लोगों ने ये बात चंकी मंकी के सामने और बहुत सारे लोगों ने इसके स्पिन ऑफ वर्जन निकाल दिए थे। अच्छा कि भाई वो जादूगरनी आ रही है तो चुड़ैल आती है, तो फलाना आती है, तो धमाका आती है, सो मैनी स्पिन ऑफ्स। मैंने लाहौर में एक, सो माई सिस्टर लिव्स इन वन ऑफ द एरियाज, आई एम नॉट गोना नेम इट, उनकी दो गली छोड़ के कब्रिस्तान है। ओके ठीक है, तो एक रास्ता वहाँ से भी आने का, तो रात को मैं वो हमेशा अवॉइड करता था वहाँ से आना। ठीक है, डर लगता था कि यार मतलब कोई आ ही ना जाए बाहर। तो अच्छा, वो लोग नॉर्मल है उनके लिए, वो पीछे गली में कब्रिस्तान है तो बच्चे भी बड़े वहीं हुए हैं खेलते कूदते, तो उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है। बट फॉर समवन लाइक मी जो कि बहुत फट्टू है, तो मैं बहुत डरता था। तो मैं वहाँ से अक्सर, अच्छा फिर क्या हुआ जब शहबाज शरीफ साहब ने ऑरेंज लाइन बनाना शुरू की यहाँ, तो ये तो रोड सारे बेड़ा गर्क हो गया। देन दैट वाज द ओनली रूट लेफ्ट फॉर मी। और चूँकि लाहौर में मैं रात को देर देर तक घूमता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त यार उधर बहुत हैं, तो फिर मुझे रात को वहीं से आना पड़ता था। ठीक है, तो अक्सर मैं देखता था ग्रेवयार्ड के बाहर गेट पे रिक्शे खड़े। मैंने कौन आया इस टाइम भाई? तो मैंने अपने कज़न को बताया, तो कह रहा है यार वो आते हैं लोग, हड्डियों वड्डियों का पता नहीं क्या क्या करते हैं, काला जादू, दिस एंड दैट, ये वाले बहुत आते हैं। ये तो आम बात है और ये हर जगह होता है। फिर एक दिन मैंने, अब आई डोंट नो, मुझे जो लगा कि एक कब्र के साथ एक खातून खड़ी नहा रही थी, वहाँ लाइट जल रही थी हल्की सी और बाल्टी रखी हुई थी, एंड शी वाज जस्ट डोंगे डाल रही थी। मैं जो भागा हूँ वहाँ से, अबे मैंने बोला ये क्या बकवास है यार, मैं तो फट गई थी। फिर मैंने टोल्ड माय कजन से बोला यार ये वो होते हैं, ये काले जादू वाले, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्लू का गोश्त लाना और पता नहीं क्या क्या, ये बहुत गंदा है यार इन चीज़ों में। ये तो वैसे है, टॉपिक ही है वैसे गंदा है, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपने नहीं करनी और नहीं देखनी और नहीं उनको डिस्कस करना, उनसे बात करना। दिस इज वन ऑफ दोस सब्जेक्ट्स। चलिए यहाँ से हट जाते हैं, जो कि मैं टॉक अबाउट स्टोरीज, हाँ ओपन इट अप, दिस इज 100% हराम बाय द वे। हाँ ये तो है, एब्सोल्युटली नो क्वेश्चंस। एनीहाउ, कमिंग टू द कब्रिस्तान वाली स्टोरी, फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड के अब्बा जो थे वो पापोश नगर में रहते थे। वाह यस, तो वहाँ तुम्हें पता है पापोश नगर में कितना बड़ा कब्रिस्तान है। हाँ, मेवाशाह तो नहीं है ना? नहीं, मेवाशाह ऑन द अदर साइड है। तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। अच्छा, पुरानी कंस्ट्रक्शन थी तो उसने बीच कब्रिस्तान की रोड दी हुई थी और साइड में थोड़ी ट्रिब्यूटरी टाइप के रास्ते के पैदल, क्योंकि उनके उस वक्त लोगों की अकल थी कि आप गाड़ी लेके आओगे, मैयत गाड़ी है, पीपल विल टेक दैट आउट। तो कब्रिस्तान के अंदर से एक रूट था जो मस्जिद को कनेक्ट करता था और एक और रूट था मेन रोड से बाहर की तरफ से घूम के जाओ तो क्या कहते हैं वो। अब हुआ ये है कि ये जो थे इनके वालिद साहब, मेरे दोस्ती कह लेता हूँ मैं, क्या डेफिनेशन क्लियर कर दूँ उनकी, तो वो नमाज को जाते थे मगरिब एंड ईशा एंड ऑल दैट, कब्रिस्तान से होते हुए। हाँ, तो उनके तो पूरा ग्रुप और मोहल्ले का निकलता था, लोग एक एक करके, तो फिर वो 8, 4, 5, 10 लोग निकल के चले आते थे। तो वो शॉर्टकट था तो किसी को परवाह भी नहीं होती थी, वो निकल जाते थे। अच्छा रोशन इलाका था। तो इस तरह जाते आते एक दिन क्या हुआ कि कोई दर्स हो रहा था, क्या हो रहा था, तो वो मस्जिद में बैठे रह गए और सारे मोहल्ले वाले एक एक करके निकल लिए और ये अकेले पीछे रह गए। अब जो इक्का दुक्का लोग बैठे हुए थे वो पता लगा मेन रोड की तरफ से उनको कहीं और जाना था, उनका उस तरफ जाना नहीं था। तो ये उठे और लेट हो गया था, 9-10 बज चुके थे। जब अपने टहलते हुए कब्रिस्तान वाले रूट से चलने लगे तो इनकी अब्बा भी वहीं पर दफन थे। तो थोड़ा सा आगे अंदर गए तो उनके अब्बा उनके सामने खड़े हुए, वो उनको कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से घर जाओ। वो कुछ नहीं बोला, दूसरी तरफ से घर जाओ बोल के गायब हो गए। वो तो अजीब हालत हो गई, एक तो अब्बा वो भी मुर्दा, मतलब अजीब हाल हो गया। वो वापस मस्जिद में जाके लेट गए और जब वो बंद करने का मस्जिद का टाइम आया उन्होंने बोला भाई क्या हो गया, तो उसने बोला भाई बस अजीब सी तबीयत हो रही है। और उनको मस्जिद वाले ही पकड़ के भारी भार से ला के वो घर पे छोड़ के चला गया कि भाई इनको कुछ हो गया, इनको देखें, वो बुखार वुखार हो गया ना ऑल दैट। अगले दिन मुझे एक लोकल न्यूज़ सर्किट होता था पहले कि भाई मोहल्ले में क्या हो रहा है, तो पता चला भाई कोई फायर फाइट हुई थी पुलिस और डाकुओं के बीच, और वो डाकू कब्रिस्तान में जाके छुप गए थे। ओह, अब्बा ने आके बचाया। हाँ, आउट ऑफ द डेड, आउट ऑफ द डेड कि यहाँ से मत जाओ यार। इस तरह का मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, बहुत वेग, कि किसी के फादर ने आके इसी तरह ये किया। आओ सॉरी नॉट एग्जैक्टली। मेरे एक दोस्त है, उनके फादर की डेथ हो गई थी डाकुओं ने, मतलब इंटीरियर से वो ट्रैवल कर रहे थे, देयर वाज अ मिस जजमेंट फ्रॉम द डाकू साइड और वो फायर वायर हुए तो वो शहीद हो गए। तो वो जाहिर है माय फ्रेंड वाज वेरी अपसेट, ही वाज वेरी क्लोज टू हिज फादर। तो एक दिन उसको दोस्त मेरे दोस्त को उसके फादर ख्वाब में आया। अच्छा, वो सिगरेट पीता था, वो सब सिगरेट पीते थे। तो वो अगले दिन आया, बड़ा सहमा हुआ, कह रहा यार मैं रात को सो रहा था, ख्वाब में अबू आए, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेरे हाथ से सिगरेट ली और फेंकी और बहुत गुस्से की शक्ल बनाई और वो चले गए। तो आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और उसने सिगरेट छोड़ दी, शीशा शुरू कर दिया। 200 सिगरेटें पी रहा है रोज। अबे वेला ये क्या लॉजिक है, शीशा और बियर। वाह वाह, तो मिस इंटरप्रेट हो गया थोड़ा। बिल्कुल। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ, अगेन शारजा, बट इट्स फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली। उसमें हुआ ये कि खातून है, उनकी बेटी है और उनकी नवासी घर में, ठीक है। अच्छा, उस घर में उनको अक्सर नज़र आया अपनी नवासी या माँ को अपनी बेटी या भाई को अपनी भांजी, कभी किचन में खड़ी है, कभी कहाँ खड़ी है, ठीक है। वापस आके देखें वो तो बिस्तर पे सो रही है। ये डॉपलगैंगर वाला काम। बच्चे का इमेज नज़र आ रहा है जगह जगह, कभी डस्टबिन के पास, ठीक है, कभी बैल्कनी के पास, कभी किचन में अंधेरे में, ठीक है। आके देखें वो तो बिस्तर पे सो रही है। हाँ, ये क्या हो रहा है। तो शक हुआ कि यार घर में कुछ है। तो एक दिन आंटी जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी, तस्बीह पढ़ रही थी। बच्ची आई, बच्ची ने उनको हिलाया और बोला भाऊ, इशारा किया कि भाऊ। तो वो समझ गई कि वाकई गड़बड़ है, बच्ची कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है। अब वो ज़ाहिर है जानामाज़ पे थी, तो उन्होंने कुरान उठाया, ठीक है, और बच्ची के साथ साथ कि मुझे लेके चलो कहाँ। तो वो ले जाके ड्राइंग रूम में लेके गई और फिर बच्ची कह रही कि भाऊ गया, वहाँ से चला गया। सो द किड कुड सी इट। नहीं तो जैसे कि इनका सबसे ज़्यादा किड्स कैन सी इट, और ये बूढ़ों पे अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो वल्नरेबल होते हैं। यंग पीपल पे थोड़ा उनको एफर्ट लगाना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल है, बट किड्स कैन सी इट। और मतलब सोचो आप घर में हैं, आपका बच्चा आपको नज़र आ रहा है कहीं और। नहीं तो मेरे साथ अक्सर हो चुका है, मेरे घर में अम्मा बोल रही है तुम ऑफिस से आ गए, मैं तो अभी आई, आधे घंटे पहले से तुम्हें देख रही है। ये भी चल रहा है, ये हो चुका है मेरे साथ, तुम पहले आ चुके। मैंने कहा भाई मैं तो अभी आया यार। तू घर में घूम रहा है अपने घर आने से पहले। हाँ भाई, तेरा घर वर जरा चेक वेक करा ले किसी को। कितने घर बदल हो गए। हाँ ये भी, ये तो पता लगता है कि तेरे साथ ही लगा हुआ है कोई। कब तक भागोगे समंदर। अबे तू तो समंदर पार करता भी रहता है, फिर भी कुछ नहीं होता। ये फिर तू ऐसा कर, मार्स चला जा। नहीं, वहाँ पे मुझे उम्मीद है कोई मिल जाएगा। यार क्या स्टोरी थी। अब चलो मैं भी कुछ बताऊँ यार, वो कॉर्पोरेट रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ, ऑफिस रिलेटेड स्टोरियाँ भी आती हैं। पहले लेट्स स्टार्ट विद सम नौकरी पेशा स्टोरीज। ओके, व्हाट अबाउट इट। भाई आप नौकरी करने जाते हो, बिल्डिंग्स पुरानी होती हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप तो भाई 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं ना, आपको क्या पता कि वहाँ। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं, अलग अलग कहानियाँ। कभी लेट सिटिंग हो जाती है, किसी को बैठना पड़ता है, डेडलाइंस होती है, यू नो बैठना पड़ जाता है। तो अब एक अजीब सी स्टोरी है हमारे फ्रेंड की, मैंने सुनी उससे कुछ दिन पहले। तो कहता है कि मैं एक जगह एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो सेटअप हो रहा था उसका डिपार्टमेंट या उसका जो फील्ड वाले जगह थी वो सेटअप हो रही थी। तो लोग कम थे, जगह बहुत थी, फ्लोर था, पुराना इलाका था ये सदर साइड वगैरह वाला जो है, तो वहाँ ये अक्सर बैठे होते थे, चीज़ें करवा रहे होते थे। तो कह रहा है एक दिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को 8 बज गए उनको ऑफिस में अकेले चीज़ें मैनेज करते हुए, ये फाइल, ये फलाना रिपोर्ट एंड व्हाटएवर। कह रहा है ये सारी कैबिनेट्स बजना शुरू हो गई ऑफिस में। ये वाली सुनाई तो नहीं थी पहले, आई डोंट रिकॉल, बट इसके अलावा एक और भी है तो कोई बात नहीं। अच्छा कि ये तो खतनिश करो। तो 8 बजे के बाद फिर वो बजना शुरू हुई तो वो अजीब सा हो गया। उसने बोला ये क्या ड्रामा है। वहाँ से निकला, उसने अपने बॉस को बोला, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है, बहुत अरसे से काम कर रहे हो। अगले दिन बैठे फिर बॉस के साथ, तो फिर वही ड्रामा हुआ। अब बॉस के सामने सारे दरवाजे और कैबिनेट के दरवाजे दराजे बजना शुरू हुई। उसने बोला बॉस ये जगह जो है वो कुछ सही नहीं लग रही। तो बॉस ने ऊपर वालों से बोला भाई यहाँ बैठ के हम काम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो ऊपर वालों ने इमीडिएटली अपने बैकअप ऑफिस में इनको शिफ्ट कर दिया। एक जगह थी डिफेंस के अंदर। अब जब वो बेचारे डिफेंस शिफ्ट हुए तो वॉशरूम गए, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला हुआ दरवाज़ा, लेकिन कोई दरवाज़ा पुश करके उनको बाहर नहीं निकलने खड़ा हुआ। अच्छा इन्हीं ने अंदर से फ़ोन किया बॉस को कि भाई मुझे वॉशरूम में फंस गया हूँ, मुझे निकालो। अब पीछे से बॉस आए इनके। जब बॉस कह रहे हैं हाँ भाई मैं स्टॉल पे खड़ा हूँ, बोला मैं धक्का दे रहा हूँ खुल नहीं रहा। बोला बॉस भी खींच रहे हैं। अच्छा लॉक खुला हुआ है, ओके, लेकिन कोई फोर्स है वो उनको वहाँ कैद की हुई है। 3 घंटे वो अंदर बैठे रहे। 3 घंटे जी। उसके बाद जो है हार्ट अटैक नहीं हुआ इतनी देर में? नहीं, 3 घंटे उनके बॉस बाहर बैठे रहे क्योंकि वो यही समझे, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई और मसला होगा, कोई और मसला होगा। करते करते उन्होंने आगे पीछे लोगों से भी बोला था कि किसी को भेजो। भेजते वो किसी और बिल्डिंग से कोई बंदा आते। 3 घंटे तक वो अंदर थे। जब बंदा आया वो फुल किट के साथ, स्क्रू ड्राइवर, कुल्हाड़ी, हथौड़े, और मारने के लिए उसने उनको हटा के उस पर हाथ रखा को लिया। ये क्या कहानी हुई? अब ऐसी एक और कहानी हुई मेरे पास। एक 3 लोग थे, एक बेचारा इंटर्नी था। नौकरी करने के लिए जो होता है ना इंटर्नशिप लोग करते हैं कि वो उस फील्ड में कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में आना शुरू करें। तो ये 3 लोग जो थे एक ख़ास डिपार्टमेंट में थे और रात को काम कर रहे थे। तो एक बंदे ने मतलब बॉस ने बोला कि भाई तुम लोग फारिग हो गए, रिपोर्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, मतलब बॉस डन है। तो अब ये इस साइड पे थे शहर की, मतलब सदर साइड, ये टावर साइड पे इनको जाना था दूर, नाज़िमाबाद वगैरह के रहने वाले। तो इन बॉस ने बोला कि भाई तुम लोग सब फारिग हो गए तो हम लेट्स ऑल गो टुगेदर, मैं तुम लोगों के तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, देर हो गई है 11-12 बजे। इंटरनी बोला वो बॉस बस वॉशरूम से जल्दी से धार मार के आ रहा हूँ, और वो वॉशरूम चला गया। अच्छा ये और वो दूसरे साहब जो हैं वो बैठ के आपस में बातें करना शुरू की, ये हम ऐसे कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये किए जा रहे हैं बातें। वो उनके जहन से निकल गया कि वॉशरूम में काफ़ी देर हो गई। इतनी देर हो गई कि बॉस को घर से कॉलें आ रही हैं कि आप तो कह रहे थे कि भाई आप 1 घंटे में आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, क्या हुआ? तो उन्हें देर रियलाइज कि 11 के 12 बज गए। फिर उनको ख्याल आया इंटरनी का है, इंटरनी के पीछे गए तो देखा वॉशरूम में भाई पड़े बेहोश। पानी वानी फेंका, उठाया, बोले क्या हो गया? मतलब भाई मैंने स्टॉल खोला, अंदर गया, धार मारी और पलटा हूँ तो दरवाज़ा खोला, तो फिर दरवाज़ा खोला, इतने दरवाजे खोले कि मैं तो बस होश खो बैठ के नीचे गिर गया। तो वो जो टॉम एंड जेरी में होता है दरवाज़ा खोले जाए दरवाज़ा exactly. उसके बाद इंटरनी ने बोला भाई मुझे आपके यहाँ कोई काम नहीं करना, मैंने कल से नहीं आऊँगा। हद है यार। तो वियर्ड थिंग्स हैपन एवरीवेयर, हम लोग इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वी आर टू बिजी इन आवर सेल फोन्स एंड अदर थिंग्स। एनीहाउ, अब मेरे एक दोस्त हैं अदलान, बड़े अच्छे आदमी हैं और वो भी काफ़ी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं। उन्होंने बताया उनके कोई अजीज़ थे, उन्हें जौहर में पुराने ज़माने मतलब लाइक जब जौहर बन रहा था ना 90s एंड अर्ली 2000s में डेवलप हो रहा था, तो उन्होंने कोई मकान लिया जिसमें, जिस तरह तुमने अभी बताया था ना, ये गली में दरवाज़ा था, वो खिड़की होती थी। तो अपने बच्चे को इस तरह फर्स्ट फ्लोर का जो रूम था वो दिया, जिसके अंदर वो ओवरलुक करता था सामने वाली गली घर के, और बाकी सारे लोग आगे पीछे। और वो भी इसलिए क्योंकि भाई लड़के आते थे, आवाज़ें लगाते थे, भाई फुरकान, भले वो फुरकान हो या फुरकानी हो, वट एवर, वो वाला शाम चलता था। भाई खिड़की वाला कमरा उसको दे दिया है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, 2 दिन गुजरे तो बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया रात में। भाई वो क्या हुआ, घर वालों से पूछ रहे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। बच्चा कुछ बोले नहीं, खौफ ज़्यादा। खैर उसको थोड़ा ठंडा किया, अपने कमरे में लाए, फिर पूछा। बोले मेरी खिड़की में कोई बंदा था बाहर से। बेटा ऐसा क्या हो गया। बोले नहीं, खिड़की में कोई बंदा था। बोले बेटा तुम्हें डर लगी होगा, तुमने रात में आईने मतलब शीशे में देखा होगा तो रिफ्लेक्शन एक आया होगा। नया घर है, नए घर में तो ऐसा लगता है ना, हर चीज़ अजीब सी लग रही होती है, और रात में तो इतना सा साया भी कुछ अजीब ही लग रहा होता है। तो वो टाल दिया। नेक्स्ट डे जो था वो लड़का पर्दे वर्दे बंद करके सो रहा था, तो इट वाज ऑल फाइन। फिर गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी तो वो खिड़की विड़की खोल के एंड ऑल दैट जैज होना शुरू हुआ। तो फिर लाइक 2-3-4 डेज डाउन द लाइन फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, बिस्तर के नीचे घुस गया, वहाँ से चीख रहा है अम्मा अब्बा। वहाँ जाके घर वाले पहुँचे, मतलब क्या हुआ। मतलब इस दफ़ा वो जो आया था लड़का, उसके ऊपर से नीचे तक मुँह पे खून था। बोला कैसी बात कर रहे हो ये वो, लेकिन बहरहाल खिड़की भी खुली हुई थी। तो कहते हैं बेटा ये तो समझ में नहीं आ रही बात, और ये वो मतलब एग्जैजरेशन समझ रहे थे, हम थोड़ी बात की। तो ये सिलसिला बढ़ता गया। तो फिर एक दिन ऐसी मोहल्ले वालों में बात हो रही थी उनके अब्बा की, तो उन्हीं ने बोला कि ये जो मकान था ये काफ़ी अरसे पहले खाली हो गया था, क्योंकि वो कहते हैं कि इस मकान में कोई मर्डर हुआ था, जिसकी वजह से ये खाली था और आप फर्स्ट आदमी हो जिसने उसके बाद लिया। तो उन्हें पूछा कहाँ हुआ था। तो कहते हैं जी फर्स्ट फ्लोर का जो खिड़की वाला कमरा है, वहाँ पे डाकू मतलब जो चोर बेसिकली उनके सर्वेंट थे। सर्वेंट ने लड़के को एक तरीके से फांसी पे लटका दिया था मार के, तो उसका मुंह खून था और जो हुलिया। अच्छा, ऐसे ही उन्हीं ने हुलिया जब पूछा अपने बच्चे से कि मोहल्ले से पूछा ना कि कैसा था वो, उसके बाल कैसे थे वो उन लोगों ने बताया था। तो उसने पूछा कि कैसा है, तो उस बच्चे ने वही डिस्क्रिप्शन दी कि उसके बाल आगे से बड़े थे, पीछे से छोटे थे, और मुंह ऐसा था, नाक मोटी थी, ये था वो था, और मुंह पे खून था और मुंह फूला हुआ था। घर वालों ने बोला भाई ये तो कोई सीन कुछ और ही बैड चल रहा है। तो वो कमरा छोड़ दिया। लेकिन अब जब कमरा छोड़ा तो उस कमरे को बिल्कुल ही एम्प्टी छोड़ दिया, स्टोर बना दिया जो हमारे यहाँ होता है। अब जब उस कमरे को खोलो तो एक विजन सा, हल्का सा, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा एक विजन नहीं होता कि वैसे कोई चीज़ है फिर एकदम से गायब हो जाए, बस एक बच्चा लटका हुआ छत से। फिर इवेंचुअली उन्होंने उसको बेच दिया किसी और को। तू भुगत, हमारे तो यही होता है ना भाई, गाड़ी ख़राब होती है क्या करते हो, बेच देते, तू भुगत, तब तू भुगत। एनीहाउ, उसके अलावा मेरी दोस्त है निदा, बड़ी अच्छी दोस्त है, एंड शी इज अ क्या बोलते हैं उसको, थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। तो इट वाज स्ट्रेंज, इट वाज वेरी स्ट्रेंज हियरिंग अ साइकोथेरेपिस्ट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ। कि उन्होंने घर वगैरह चेंज किया था रिसेंटली। तो उनका कहना ये था कि भाई उनका जो घर है, वरांडा है, वरांडे के अंदर की खिड़की उसकी है। तो जब उन्हें रिसेंट मतलब शिफ्ट किया, दे चेंज द हाउस, तो रात में कोई आके खिड़की पे। सही। अब लड़की और रात, और अब वो पहले तो डर गई, लेकिन ये भी नहीं कि बाहर की खिड़की, अंदर की वरांडे की। सही। तो सबसे पहले तो क्या ख्याल आया, कोई चोर आ गया, ये हो गया वो हो गया, पूरा घर उठ गया, इधर भाग रहा उधर भाग रहे, तो कुछ नहीं, तो लेट के सो गए। एक दिन के बाद फिर वही खिड़की उसने फिर खोली, देखा कोई नहीं, बंद कर दिया। अब उसने क्या किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने भाड़ में जाऊँ, ये इट्स ऑल इन माई हेड। अब जब इग्नोर करना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें बढ़ना शुरू हुई। अब पहले खिड़की बज रही थी, अब दूसरे दरवाजे भी बजना शुरू हो गए। अब बेडरूम में सोए तो दरवाज़ा खटखटा है, कोई खिड़की का खटखटा है, अलग ही कोई सिनेरियो। अब रात की नींद हराम। अम्मा को बोला, अम्मा ने पढ़ना वढ़ना शुरू किया इधर उधर चीज़ों को, और मतलब इस तरह पढ़ के फूकना शुरू करते हैं कि भागो यहाँ से, ये करना शुरू किया। फिर मैंने एक मेड रखी, अब मेड बाहर के एरिया की सफाई। भाई मेड ने बोल दिया हम यहाँ काम नहीं करेंगे। बोल दिया क्यों? बोलिए बाहर वरांडे में जो इस अंदर एक तो मेन गेट है, उसके अलावा जो साइड एरियाज हैं वहाँ पे कोई औरत घूम रही होती है भाई, सफ़ेद कपड़ों में, ट्रांसलूसेंट किस्म की। तो भाई ये क्या चल रहा है? बहरहाल इवेंचुअली क्या हुआ कि वन फाइन नाइट शी वाज स्लीपिंग एंड इग्नोरिंग एवरीथिंग लाइक दिस, तो द रैपिंग्स हैपेंड अगेन। देयर वाज समवन इन द विंडो, एक औरत खड़ी हुई थी। एंड उसके बाद उन्होंने बोला भाई इस घर को छोड़ना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है जब आपको कोई सोने नहीं दे रहा, हाउ कैन यू स्टे इन अ प्लेस लाइक दैट। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो आई हैड अ चैट विद हर, और यही बात थी कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन hallucinations and all that stuff and this kind of stuff. If you are in a proper state of mind, आप assess कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों की explanation आपको नहीं मिलती है। अब एक और जैसे एक बात थी कि लाइक मैं खाली शायद बताया, वैसे मैं हो सकता है नहीं पहले बताया हो, लाइक मैं और मेरे कुछ दोस्त छुप के कोने पर खड़े हुए थे, मैं कॉलेज गेट से आगे। तो एक औरत गुजरी, सबसे बात की उसने कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। Did I tell you that? नहीं भाई, मैं कॉलेजिएट है, उसके आगे सकेसन का कब्रिस्तान था, नॉर्थ नाज़रबाद। अब ये जो पार्टी थी सारी, वो कोई छप्पड़ में गुटखा, ये सिगरेट, तो उधर से बच के थोड़ा आगे कब्रिस्तान वाली साइड पे जाके वहाँ खड़े होके ये सारी वो कार्रवाई होती थी। तो वहाँ खड़े हुए थे, तो एक आंटी आई, बड़ी प्लेजेंट लुकिंग, आई आगे रुक गई। कहाँ से आई थी हमें नहीं देखा, क्योंकि हम वापस में इतना लगे हुए थे। आई रुकी, बात करना शुरू की, तुम बेटा यहाँ क्यों कर रहे हो, तुम बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अच्छे घर के लग रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए, तुम पढ़ने में वो पढ़ के आ रहे हो, ये वो करके बहुत सब ऐसे बात कर रही हैं। हमारी कोई बहुत ही पुरानी रिश्तेदार हैं, और ये छोड़ दो, ये गलत काम है, ये फेंको, ये गलत है, ये करके, और चल पड़ी। अब जब वो चल पड़ी ना, तो ऐसे ही एक दोस्त ने बोला इनका दिमाग ख़राब है, ऐसे करके होता है ना कि बात कर रहे हैं, पागल हो गई, इस तरह करके अपने काम से काम रखो। अगर यूँ मोड़े, आंटी गायब। ओह गॉड, यहाँ आई, यहाँ नजर आई, और इस यहाँ से गायब हो गई, लाइक विद इन आर्म्स रीच। उसके बाद तो सब तो बोला भाड़ में गया, भागो यहाँ से। तो थिंग्स हैपन, स्ट्रेंज थिंग्स हैपन ऑल द टाइम। एनी हाउ, तो Has anything strange happened to you lately? नहीं भाई, मगर ये क्या, तो ऑफिस का मैंने आपको बताया कि अक्सर अजीबो गरीब वाक़यात हो जाते हैं, पता नहीं चलता। खैर, पर्सन शेयर्ड अ स्टोरी अबाउट अ चुड़ैल, ओके, नॉट रेफरिंग टू एनीवन, ओके। खैर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बलूचिस्तान का गाँव है, ओके, एंड दिस इज़ लाइक अर्ली 90s or something like that. तो गांव हैं, गांव के दरवाजे हैं, गांव के घर हैं, वीराने हैं, all that stuff. तो एक शादी है दूसरे गांव में, तो दादी और न्यू बॉर्न बच्चा अलॉन्ग विद उसका छोटा भाई, न्यू बॉर्न का छोटा भाई, न्यू बॉर्न का छोटा भाई नहीं, सॉरी, न्यू बॉर्न का बड़ा भाई होगा, मतलब यू गेट द पिक्चर। मुझ पर भी कुछ सवार होना शुरू हो गया। Okay. तो वो घर पे अकेला छोड़ के घर वाले सारे शादी में चले गए, और शाम या रात हुई तो आहट महसूस हुई। दादी एकदम से उठ के खड़ी हो गई, मतलब यूँ तो जनरली डॉसाइल बैठी थी, लेकिन एकदम से उठ के खड़ी हुई। उनको फीलिंग कुछ एक होती है ना, मटरनल फीलिंग, वो वाली प्रोटेक्शन वाली, वो उठ के खड़ी हो गई, और वो एक तरीके से पहरा देना शुरू किया। जो न्यू बॉर्न, मतलब फ्यू मंथ्स, और दूसरा जो था बच्चा वो हार्डली 6 साल 5 साल वॉटेवर, और ये उसी की रिकलेक्शन है सारी। तो कहता है कि घर में एक औरत घुसी दादी के अलर्ट होने के फौरन बाद। यंग औरत थी, बड़े बाल थे, अजीब सा थोड़ा शक्ल अच्छी नहीं, मतलब इन द सेंस एक होती है ना एक आदमी प्लेजेंट नहीं थी, प्लेजेंट शक्ल नहीं थी, ऐसी नहीं थी कि आप देखना चाहो। ओके। उसने घर में घुसना शुरू किया और उसने सीधा बच्चे न्यू बॉर्न की तरफ चलना शुरू किया। ओके। दादी पीछे की तरफ से आई और उसको बालों से पकड़ के कुछ पढ़ना शुरू किया, मतलब आयतें शायतें, और बालों से खींच के उसको बाहर निकाल दिया। ओके। और उसके बाद फिर बाहर मुकालमा हुआ उस औरत के साथ और चीखों पुकार भी हुई, लेकिन बच्चे को बोला कि इसका ख्याल रखो और बाहर मत निकलना। और कुछ बात हुई और कुछ पढ़ाई हुई और उसको भगा दिया। घर वाले वापस आए तो उनको एक्सप्लेन किया गया कि भाई रात में चुड़ैल लाई थी आपका बच्चा लेने और मैं पहचान गई थी, क्योंकि ये गांव की पुरानी औरतें, दे नो ऑल द ट्रेडिशंस एंड कल्चर, तो पहचान गई थी कौन आया। तो उसको हैंडल करने का तरीका ये था कि पीछे से उसको पकड़ना, अगर सामने करेंगे तो नहीं हो सकता। तो उसको निकाल दिया, नो आई कॉन्टैक्ट ना। ओके। इसलिए वो कहते हैं कि पलट के मत देखना। जिस तरह मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ ये इंसिडेंट था कि उनके घर में कुछ ऐसा कुछ मतलब कुछ अमल था, क्या था अल्लाह बेहतर जानता। वो बंदा कुर्सी पर बैठा होता था और उसके कंधे पे कोई हाथ रख देता था। ओके। अच्छा, कंधे पे कोई हाथ रखता था और ये कभी गलती से पलट के देख लेता ना, ही यूज्ड टू फ्रीज। मतलब एक होता है ना अजीब, बस बेहोश हो गया ना, गिर गए। आज तक ये नहीं बता सके कि क्या देखते थे। उनकी फिर वालदा वगैरह ने कुछ पढ़ पढ़ा के जान छुड़ाई, लेकिन ये था कि वो कभी बैठे में, वो नया नया कंप्यूटर का दौर था, रात में बैठते थे। टीटा फ़ोन नहीं आएगा ना आज, कोई किसी का लगा के बैठे, कोई आके कंधे पे हाथ रखता था कि पलटो, वो पलटते थे, ये हो जाता था। फिर ये उनका एक छेड़ भी बन गई थी, लेकिन एक ये था कि मतलब ये कौन आता है रात में जिसको देख के ये बेहोश हो जाते हैं, ये हैज़ नो मेमोरी। दैट इज़ आई गेस वेयर दैट कॉन्सेप्ट कि पलट के मत देखना कम्स फ्राम। लाइक एक साहब, एक आई थिंक अनदर स्टोरी केम इन अबाउट, दो बंदे अच्छी उम्र के 30+ के जा रहे थे बरगद के पेड़ के पीछे से, तो एक बंदे को अनईजी सी फीलिंग हुई, तो दूसरे ने उसको ऐसे ही बोल दिया जो भी है ना, बस घर जाके देखते हैं, पीछे मत देखना। ओके। पीछे से अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई फिर कि मियाँ हूँ तो फलाना था धमाका, पहले जानवरों की फिर लोगों की, फिर उसको बुलाते रहे। अच्छा, वो बंदा पलट गया फिर। ओ गॉड। जब पलटा तो अजीब सी बात है ना, बकरा खड़ा हुआ था। बकरा। ओके। बकरा इनको देख के उनकी तरफ चार्ज करना शुरू हो गया। अच्छा, देखते ही देखते वो बकरा जो था बिल्ली के साइज से, कुत्ते के साइज से, बकरे के साइज से, बैल के साइज का हो गया। अब दूसरा जो आदमी है ना, वो वैसे ही नहीं देख रहा पीछे, वो कह रहा ये कि उसने उसको पकड़ा, बोला भाग यहाँ से, और उसे बोला आँखें बंद कर, और आयती पड़ के ले के भाग गया। तो अजीब वाक़यात होते हैं, और वैसे भी कहते हैं बरगद के पेड़ में होते हैं, ऊपर रहायशी होते हैं। एंड बिसाइड्स ये जिनों का बैरियर टाउन है, दे प्रेफर टू लिव देयर। एग्जैक्टली, DHA फेज 8। और ऐसे मैंने घर देखे थे, जब मैं घर ढूंढ रहा था ना, तो एक घर मिला, बेहतरीन घर, ज़बरदस्त पेंट, ये वो सब कुछ, लेकिन पिछली गली, मतलब घर के पीछे के वरांडे की साइड जो पतली गलियाँ होती हैं जहाँ लोग वो लगाते हैं अपने जनरेटर या वो सब कुछ, वहाँ गए तो वहाँ पे एक बरगद का पेड़ और सूरज जिन जो है ना, पेपर प्रिंट हुई दीवार पे लगी। मैं पलटा, मैंने कहा भागवा अम्मा यहाँ से, यहाँ नहीं कुछ करना। खैर वो तो खैर वो इसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन होता है कि जब आप खाली घर छोड़ दो 10-20 साल, तो फिर जो नए लोग आ जाते हैं तो उनको निकालना मुश्किल होता है। और आपको ये भी पता है कि थिंग्स किसी भी शेप और फॉर्म में आपके सामने आ सकती है, और लोगों को वैसे ही बहुत शौक़ है। लोगों को मैं ये भी बताऊँ, जब आप इन चीज़ों में ज़्यादा घुसते हैं ना, तो ये चीज़ें आपके पीछे भी असर करती हैं, और इट्स नॉट वेरी ईजी टू पुश देम अवे। मैं तो सुन के मेरी फट जाती है भाई। अब एक मासी की कहानी थी कि एक साहब ने साहिबा थी, उन्होंने कोई मासी बुलाई रखी हुई थी उनकी साला साल से, तो उसने बोला भाई हमारी कोई उनकी कोई बेटी है और फलां है ढमका है, तो मैं उसको भी अब लेके आऊँगी, उसको मैं घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती एंड वॉट एवर। तो वो उनको लेके आ गई। अच्छा ये थे सारे मुल्ला पार्टी टाइप लोग ना, वो पढ़ना पढ़ाना और भाई सब कुछ करना घर पे बैठ के अल्लाह अल्लाह। तो अब लड़की को लेके तो आ गई, अब लड़की जो है बेचैन, घर में इधर जा रही है उधर जा रही, किसी कमरे में जा रही, अजीब हरकतें कर रही है ना, बट किसी बेडरूम में घुस गई। अगला बोल रहा भाई तुम अपने काम से काम रखो, तुम यहाँ क्या करने आई हो। इवेंचुअली घर के बड़े जब आए, उन्होंने थोड़ा पढ़ा वढ़ा अपना जो डेली उनका रूटीन था नमाज के बाद एंड ऑल दैट यार, उसने पागल उनका चीखना शुरू कर दिया, इतना चीखना शुरू कर दिया कि मतलब पूरा घर सर पर उठा लिया ना। तो फिर सब लोग आए, उन्हें क्या हो गया पागल बने के दौड़े पड़ रहे हैं वो। तो उसने एक डिफरेंट आवाज़ में और डिफरेंट तरीके से लोगों को बातें सुनाना शुरू की, हर किसी को अलग, और गालम गलोच शुरू की। तो जो बड़े थे घर के वो समझ गए कि इसके ऊपर कोई चीज़ तारी है, तो काफ़ी फड्डा हुआ। और वही वाली ऑल द सेम स्टफ़ के उसमें बड़ी ताकत थी, लोग पकड़ रहे नहीं पकड़ पा रहे। लेकिन अब ये बात है कि लोग कहते हैं ना इसे कचरे के पास से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि उसमें खबीस कैटेगरी के बातें, तो ये लोग ऐसे कराची तो भरा पड़ा है कचरे से, कहाँ से नहीं जाओगे बिल्कुल। तो फिर इसलिए तो ये हरकतें बढ़ती जा रही हैं। तो अब ये इनका काम ऐसा था कि इस काम में कोई ऊपर चढ़ गया, तो भाई यू नेवर नो, और अल्लाह बचाए। तो खैर आई थिंक नहीं भाई फट गई है बस। नहीं अब एक आखिरी स्टोरी में चलो भाई, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। मेरी बात फट गई है, टेंशन ना लो। नहीं भाई मैंने अकेला जाना है घर पे, और मेरे रोड तुमने पता है कितना सन्नाटा है वहाँ, और कचरा डालने लग गए ये सफाई वाले, तो मतलब सफाई वाले तो खैर नहीं कचरे वाले, तो वो फिर वहाँ पे भी खबासत ना भर जाए। खैर भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगर आपने जिन स्टोरीज़ भेजनी हो तो डॉक्टर सोलंगी के इंस्टाग्राम जो नीचे लिखा हुआ है इस पर आप भेज सकते हैं, और एल्पाइन बेयर पाकिस्तान ज़रूर चेकआउट कीजिएगा उनका इंस्टाग्राम। यू कैन यूज़ प्रोमो कोड जुनेद एंड गेट 16% डिस्काउंट। That's it for tonight with Dr. Solangi. See you again, inshallah, very soon. Da Hafiz.